फिल्म आदि पुरुष के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद के बीच मनोज मुंतशिर का ट्वीट, डायलॉग्स को लेकर कहा कि विवादित फिल्म के डायलॉग्स बदल दिए जाएंगे। मनोज मुंतशिर ने लिखा, सोशल मीडिया पर मेरे ही भाइयों ने मेरी ही मां पर अभद्र टिप्पणी की, मुझे सनातन द्रोही कहने में इतनी जल्दबाजी क्यों। फिल्म आदि पुरुष को लेकर लोगों में आक्रोश, डायलॉग पर खड़े हो रहे सवाल, लोगों ने की बैन करने की मांग। सिनेमा घरों के बाहर हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, सीएम भूपेश बघेल ने कहा, फिल्म के जरिए भगवान राम और हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश। फिल्म के डायलॉग को लेकर साधु संतों में भी नाराजगी, साधु संतों ने की फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा ये फिल्म बीजेपी के नेताओं की प्रायोजित। रामायण के नाम को भी पसंद नहीं आई प्रभास की आदि पुरुष, मेकर्स पर जमकर भड़के अरुण गोविल। कंगना रनौत ने आदि पुरुष पर कमेंट किया, इशारों में कहा राम का नाम बदनाम ना करो। विवादों के बीच आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर शुरुआत, पहले दिन 140 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। विवाद के बीच फिल्म आदि पुरुष देखने पहुंचे लोग, कहा नेगेटिव रिव्यू में फर्क नहीं पड़ता, रामायण पर फिल्म बनी है जरूर देखेंगे। अमेरिका दौरे के कारण एक सप्ताह पहले पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा भारत ने तूफान का मजबूती से सामना किया। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए विकसित सोच की जरूरत पर जोर दिया, कहा तूफान में कच्छ के लोगों ने हिम्मत दिखाई। मन की बात में पीएम मोदी ने 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी का जिक्र किया, कहा इमरजेंसी में लोकतंत्र समर्थकों पर हुए थे अत्याचार। पीएम मोदी ने कहा 25 जून का दिन देश कभी नहीं भूल सकता, इमरजेंसी की यातनाओं से मन सिहर जाता है। असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात, पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी इस दौरान रहे मौजूद। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी मन की बात, पूरी कैबिनेट मौजूद रही। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी मन की बात सुनी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पालघर के वसई में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुना गया मन की बात कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हरदीप पुरी मौजूद रहे। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने सुनी मन की बात कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी साथ में मौजूद थे। दिल्ली के आरकेपुरम में विवाद में फायरिंग, दो महिलाओं की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच तेज की। पुलिस के मुताबिक महिलाओं के भाई की खोज में थे हमलावर, मनी सेटलमेंट का है मामला। परिवार के मुताबिक मृतक बहनों के भाई ने देव नाम के शख्स को दिए थे 15,000 रुपए, वापस मांगने पर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने आरकेपुरम शूटआउट के 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, अम्बेडकर बस्ती में फायरिंग में 2 महिलाओं की मौत हुई। दिल्ली हत्याकांड पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा अगर आप सरकार के पास कानून व्यवस्था होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित बनती। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर अटैक, कहा सरकार ने रेलवे का वो बर्बाद किया, अनपढ़ सरकार को सरकार चलाने की समझ ही नहीं। पश्चिम बंगाल के पंचायती चुनाव में हिंसा के दौर को लेकर राज्यपाल का दौरा, अभी भी हिंसा का दौर जारी। मालदा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या, टीएमसी ने कांग्रेस पर लगाया कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुजापुर में विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल के कूच बिहार में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, दिनहाटा ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी के परिवार के सदस्य का मर्डर। मृतक के पिता का बयान, कहा बेटे की पत्नी पंचायत चुनाव में है बीजेपी प्रत्याशी, जिसके कारण दूसरे बेटे की हत्या की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने शांति निकेतन गांव पर छापा मारा, 42 बम बरामद किए। बंगाल में 8 जुलाई को होने हैं 74,000 सीट पर पंचायत चुनाव, चुनावी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने साउथ 24 परगना का दौरा किया, लॉ एंड ऑर्डर के हालातों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। गवर्नर ने कहा हिंसा लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, ये भीड़तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता नजर आ रहा है, ये स्थिति स्वीकार नहीं। बंगाल में हिंसा और गवर्नर के दौरे पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी, ये गवर्नर का काम नहीं। हिंसा पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार, सीएम ममता और राज्य चुनाव आयोग हिंसा पर चुप हैं, वही लोगों को बचाने में गवर्नर जुटे हुए हैं। बीजेपी का टीएमसी पर अटैक, पूनावाला बोले राजनीतिक हिंसा बन गई है टीएमसी सरकार की विशेषता। पूर्व रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का ट्वीट, साक्षी मलिक का सत्यव्रत कादियान के आरोपों को नकारा, कहा दीपेंद्र हुड्डा के हाथों की कठपुतली बने पहलवान। साक्षी मलिक का बबीता फोगाट पर पलटवार, लिखा तीरथ राणा और बबीता ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, मुसीबत पर सरकार की गोद में जा बैठे।
रेसलर साक्षी मलिक का नया दांव, ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने दी थी धरने की सलाह। साक्षी मलिक ने बताया, बबीता और तीर्थ राणा ने जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी दिलवाई। साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज हमारे साथ, जब क्रिया होती है तब प्रतिक्रिया भी होती है। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सेल्फी लेने की लगी होड़, समर्थक आपस में भिड़े, पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। राजस्थान के जालौर में बिपट जॉय का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगह भरा पानी। राजस्थान के सांचौर में भारी बारिश, जल भराव से बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन वीडियो में पूरा शहर दिखा जलमग्न। राजस्थान में तूफान से 5 जगहों पर रेलवे ट्रैक टूटा, कई पैसेंजर ट्रेन के रूट को डायवर्ट किया गया, रेल मंत्री ने कहा, काम युद्ध स्तर पर जारी। गुजरात में तूफान से नमक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान, 5 लाख टन नमक बहा ले गया साइक्लोन, कुल 5,000 करोड़ का नुकसान। गुवाहाटी में भारी बारिश से उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी, बढ़ते जलस्तर से डूबे घाट। असम के धेमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात, लोगों की पड़ी परेशानी। असम में बाढ़ को लेकर तैयारियां तेज, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, एनडीआरएफ एसडीआरएफ से लेकर इंजन आर्मी अलर्ट। कोची में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के बलिया में प्रचंड गर्मी और लू का कहर, गर्मी की वजह से बड़ी बीमारियां, 3 दिन में 54 लोगों की मौत। बलिया के सीएमओ ने गर्मी से मौत पर जताई चिंता, लोगों से की जागरूक रहने की अपील, घरों से ना बाहर निकलें ये भी कहा। अयोध्या में हीट स्ट्रोक से एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की मौत, ड्यूटी के वक्त अचानक बेहोश हुए, इलाज के दौरान जान गंवाई। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, राज्य के दुर्गम इलाकों में भेजी जा रही मेडिकल टीम, कोंडा गांव में लोगों का किया गया हेल्थ चेकअप। मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, हिमाचल के नारकंडा में सैलानियों का हुजूम उमड़ा। अमेरिका में पीएम के स्वागत में परफॉर्म करेंगी सिंगर मैरी मिलबेन, कहा, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती का श्रेय पीएम मोदी को देती हूँ। मुंबई में उद्धव गुट का पदाधिकारी शिविर, आदित्य ठाकरे के संबोधन से होगी शुरुआत, आखिर में उद्धव ठाकरे का होगा भाषण। उद्धव गुट को लगा एक और झटका, पार्टी नेता और पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने छोड़ी पार्टी। पार्टी से नाराज हैं उद्धव गुट की प्रवक्ता मनीषा कायंदे, उपेक्षा के चलते शिंदे गुट कर सकती हैं ज्वाइन। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस विधायक आशीष देशमुख बीजेपी में शामिल होंगे, कांग्रेस ने देशमुख को किया था निष्कासित। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा, 2014 से अब तक पीएसयू में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां घटी। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अखिलेश पर साधा निशाना, लिखा, 2024 के लिए अखिलेश का दावा गुब्बारे की तरह होगा हवा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का जम्मू कश्मीर को लेकर बयान, कहा, समस्याओं के समाधान के लिए अनुच्छेद 370 और 35 ए पर हो चर्चा। कर्नाटक सिलेबस बदलने पर नितिन गडकरी के बयान पर कांग्रेस का तंज, कहा, आरएसएस को खुश करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। यूसीसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा, कुछ मौलाना लोगों को भड़का रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा एकता। तेलंगाना के निजामाबाद में बीआरएस विधायक शकील उमर पर अटैक, पुलिस ने आईएमआईएम के 2 नगर सेवकों को अरेस्ट किया। पुलिस ने 10 और लोगों पर भी केस दर्ज किया, हमले के लिए कई दिनों से रेकी कर रहा था एक आरोपी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्रमदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान में शामिल हुए लोगों को जागरूक किया। कर्नाटक में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अपील, 22 जून को बुलाया कर्नाटक बंद, बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के अंदर 3 बार आया भूकंप, लेह में सुबह करीब 8:30 बजे कांपी धरती, 4.3 रही तीव्रता। इम्फाल में हिंसा के बाद एक्शन में इंजन आर्मी, हिंसा प्रभावित इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन डीरेल हुई, घटना के वक्त खाली थी गाड़ी, कल्याण और करजत के बीच डाउन ट्रैफिक बाधित। पटियाला में इंडियन आर्मी के सोल्जर डीएम कृष्ण की बहादुरी, भाखड़ा नहर में कूद कर बचाई डूबती लड़की की जान। मुंबई के एक 5-स्टार होटल में आग लगी, होटल के इंटरनल फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से बुझाई गई आग। पुणे में आग से 20 से 25 गोदाम जलकर खाक, लाखों का सामान आग में बर्बाद हुआ। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने मौके पर मौजूद रहकर आग पर काबू पाया। सीतापुर में कजियारा चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। ग्वालियर के बड़ा गांव में 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज, सीएसपी मुरार ने कहा, मामले की जांच जारी। हैदराबाद के एक गांव में पति पत्नी को पेड़ से उल्टा लटकाया, काला जादू करने का आरोप, पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर बचाई दोनों की जान। दिल्ली में इंडिया गेट पर वॉकेथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ ने किया वॉकेथन का आयोजन।
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने जारी किया बयान, कहा सोने के गर्भगृह को पीतल से बदलने की फैलाई गई अफवाह। बीकेटीसी ने कहा मंदिर की छवि धूमिल करने की कोशिश हुई, पुरातत्व विभाग की देखरेख में दानकर्ता ने चढ़वाई है सोने की परत। अमरनाथ यात्रा पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, यात्रा में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देते हैं साथ। अमर्यादित कपड़े पहन के आने पर शिमला के जैन मंदिर में रोक, मिनी स्कर्ट हाफ पैंट फ्रॉक पहनकर आने वालों को नहीं मिलेगी मंदिर में एंट्री। जगन्नाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम, डीजीपी ओडिशा ने दावा किया। रेलवे सेक्टर में उतरेगा अडानी ग्रुप, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की सेल, एसईपीएल में 100% हिस्सेदारी का होगा अधिग्रहण। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन, एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सकॉन। भारत ने मूडीज के रेटिंग के मानदंडों और पारदर्शिता पर उठाए सवाल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, स्मार्ट टीवी के लिए आ रहा है ट्विटर वीडियो ऐप। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायरिंग, कई टीनेजर समेत 8 लोग घायल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। युगांडा के एक स्कूल पर आतंकवादियों का हमला, 38 बच्चे सहित 41 लोगों की मौत। सूडान की राजधानी खार्तूम में बड़ा एयर स्ट्राइक, 5 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत। यूक्रेन के दोनेस्क क्षेत्र के एक गांव को रूसी कब्जे से आजाद कराया गया, गांव की तबाही का वीडियो भी साझा किया गया। यूक्रेन में नोवा कोखोका डैम कोलैप्स हुआ, बाढ़ से 16 लोगों की मौत, 31 लापता। सेंट्रल सर्बिया में बारिश और बाढ़ का कहर, नदी के तेज बहाव में 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल बहा। मनाली के पहाड़ों के बीच सोनू सूद ने किया वर्कआउट, 49 की उम्र में 6-पैक एब्स किए फ्लॉन्ट। जैकलीन ने बदली अपने नाम की स्पेलिंग, सोशल मीडिया पर जमकर हुई ट्रोल, ट्रोलर्स ने लिखा बुरे वक्त ने उन्हें अंधविश्वासी बना दिया। मुंबई में सनी देओल के बेटे करण की शादी, फार्म हाउस में दिशा के साथ लिए 7 फेरे। अपने पोते की शादी में शामिल हुए धर्मेंद्र परिवार के साथ झूमते नजर आए।